जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कोरोना की मार अभी तक हमारे ऊपर पड़नी खत्म नहीं हुई थी कि अब एक और मार पड़ गई है। हाँ जी दोस्तों, हम आम जनता के ऊपर एक और मार पड़ गई है। आप सही समझ रहे हैं, जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो है पेट्रोल की मार। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ पलक अरोड़ा पेट्रोल भरवाने। तो देखते हैं आज हमारा कैसा, कितना क्या पेट्रोल का प्राइस है, क्योंकि अभी मैंने अराउंड एक हफ्ता पहले ही हमें पेट्रोल भरवाया था। इट वॉज अराउंड 82 रुपीज एंड टुडे द प्राइस गोज अप टू 89.99 पैसे। तो आज हम देखते हैं कि हम पेट्रोल भरवाएंगे तो क्या यहाँ पे प्राइजेस है और क्या लोगों का कहना है इस पेट्रोल प्राइस के ऊपर। हेलो एवरीवन, मैं पलक अरोड़ा आप सबका स्वागत करती है हमारे चैनल हाउ इंडी पर। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ आज हमारे साथ आयुषी मौजूद नहीं है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो आने वाले, उनके पैरों में फ्रैक्चर भी हो गया है, तो आने वाले 3 हफ्तों तक वो नहीं आ पाएंगी। तो आज हमारे इमरजेंसी कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं पलक अरोड़ा आपको लेकर आई है पेट्रोल पंप पे। जैसे कि आप सब जानते ही है, जो पेट्रोल के प्राइजेस है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब पिछले 2 महीने में अगर चेक करा जाए तो लास्ट 2 महीने में पेट्रोल का प्राइस कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहा है विदाउट एनी ब्रेक। और लास्ट 2 मंथ्स में, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें लास्ट ईयर तक, $40 पर बैरल जो था वो हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस था। बट अब वही क्रूड ऑयल का प्राइस 60 क्रॉस हो चुका है, $60 पर बैरल पहुँच चुका है। और अगर हम बात करें दिल्ली की या फिर दिल्ली जैसे राज्यों की, तो पेट्रोल का दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले टाइम में विद इन अ मंथ सेंचुरी क्रॉस हो जाएगी। तो आज हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि पेट्रोल का दाम कितना बढ़ता जा रहा है और साथ साथ लोगों का उसके ऊपर क्या कहना है। तो सर, आप मुझे बताना चाहेंगे कि अगर ये पेट्रोल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, तो इससे आपके काम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप डेली आई थिंक जॉब जाने वाले होंगे। बिजनेस करता हूँ मैं। अच्छा सर, आप बिजनेस करते हैं। हाँ जी, लेकिन मैं यूज़ तो करता हूँ व्हीकल, तो फ़र्क तो पड़ता ही है हर चीज़ पर, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्रेडिट में। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम व्हीकल यूज़ करना बंद कर दें या फिर घर पे बैठा ले, व्हीकल लिया है तो उसको यूज़ तो करना ही है, ऑफ कोर्स ही बात है। तो अगर ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो आपका क्या यूज़ करना कम हो जाएगा व्हीकल, या फिर क्या कर सकते हैं? यूज़ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए सरकार के लिए। आलतू फालतू चीज़ों के आंदोलन करते रहते हैं लोग, जिस चीज़ पर मेन मुद्दा सरकार को घेरना चाहिए उस पर घेरना चाहिए, पेट्रोल पर घेरना चाहिए, डीजल पर जिस पर पैसे बढ़ रहे हैं उस पर घेरना चाहिए। जो फालतू के जो आंदोलन करते हैं इनका, जिनसे कोई काम नहीं है और जनता उससे परेशान होती है, जनता इससे ज़्यादा परेशान हो रही है, जिससे पूरी जनता को फर्क पड़ रहा है इससे। तो जैसा कि हमने सुना, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी हो रही है वो आम जनता हो रही है, क्योंकि जॉब पे जाने वाले स्कूटी बाइसाइकिल तो आजकल कोई यूज़ नहीं करता, स्कूटी बाइक पर जाते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर जो बिजनेसमैन है वो कार पर जाते हैं, और दोनों के लिए ही जो नेसेसिटी है वो है उनकी पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल के बिना उनकी गाड़ी चलेगी नहीं ना बाइक चलेगी। तो पेट्रोल की प्राइसेस अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चलते बढ़ते रहे टैक्स की वजह से, टैक्स भी बढ़ने की वजह से, तो ऐसे चलते चलते जो प्राइसेस है वो 100 क्रॉस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर है कि अगर उन्हें जाना है तो पेट्रोल तो भरवाना ही है ना आखिर, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो आइए देखते हैं और लोगों का क्या कहना है। सर, जैसे कि आप जानते ही हैं जो पेट्रोल है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, मतलब आने वाले पिछले 2 दिनों में भी वो 2 बार ही बढ़ चुका है, तो आपका इस पे क्या कहना है? मैं, आप देखो जो बढ़ेगा था वो तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में है ना ये सब कुछ। तो गवर्नमेंट चाहेगी तो कम होगा, लेकिन गवर्नमेंट भी तभी चाहेगी जब तक, मोदी जी ये नहीं चाहेंगे कि बॉर्डर जब तक नहीं खुलते हमारे तब तक महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। मतलब जब तक बॉर्डर नहीं खुलते तब तक महंगाई बढ़ेगी, क्यों सर ऐसा क्यों है? मैं, जब तक बाहर से कुछ नहीं आएगा हमारे देश में, दिल्ली में हमारे कुछ नहीं आ पा रहा बाहर से, सब कुछ बंद पड़ा है, तो फिर महंगाई बढ़ेगी ऑलरेडी। तो सर अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही तो इसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके काम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं, इफेक्ट तो वही पड़ेगा, अब क्या कह सकते हैं उसके लिए, जो सबके साथ है वो हमारे साथ है, वो तो है ही, अब कुछ ज़्यादा तो कह ही नहीं सकते। मैं यहाँ लगा लेता हूँ। तो जैसे कि हमने सुना, अगर महंगाई बढ़ेगी तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो आम जनता के ऊपर उसके उससे इतना फ़र्क पड़ेगा कि वो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी तो उन्होंने चलानी है ना आखिर, ये तो है नहीं कि वो गाड़ी को बंद करके अपने घर पे रख लेंगे। जो हमारे देश की सरकार है इस टाइम वो BJP की है, ऑल ओवर स्टेट में लगभग, तो हमारी अगर देश की सरकार चाहे, हमारे PM साहब चाहें, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि रेट नीचे आ सकते हैं। जब फॉरेन कंट्रियों में अभी पेट्रोल डाउन है तो हमारा ही देश इतना ऐसा कैसा है कि हमारे देश में 100 रुपये चल रहा है? भाई हमारे देश में भी हो सकता है, वो जो PM है वो भी, वहाँ के राष्ट्रपति जो है उन्होंने भी पॉसिबल कर रखा है ना, तो हम भी कर सकते हैं। आज भी 30 पैसे बढ़ा दिए गए हैं तेल के। कल मैं पहले 100 रुपये का तेल डलवाता था डेली, अब डेली डलवाना पड़ता है, पहले 2 दिन चलता था, अब डेली डलवाना पड़ता है।
मतलब इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बस पूछिए मत। एक तो मतलब पैसे वही हैं, कमाई वही हो रही है, और लेकिन डेली आज सिलेंडर के ही बढ़ गए हैं, पेट्रोल के ही बढ़ गए, डेली हर किसी चीज़ में इंक्रीमेंट हो ही जा रही है। कि यही प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो आपको क्या लगता है, आपको अपनी गाड़ी बंद करनी पड़ेगी या फिर? मैं तो सोच रहा साइकिल ले लूँ, स्कूटी बैक के, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है साइकिल का, पेट भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि मतलब आने वाले 10-12 दिन 15 दिन के अंदर ये 90 रुपये भी छूने वाला है, और उससे भी ऊपर छू सकता है, 95 भी हो सकता है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं। हाँ, तो मतलब आपका क्या कहना है गवर्नमेंट को इसके लिए कि बढ़ाने चाहिए, कम करने चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कम से कम बढ़ाओ मत, ना तुम कम कर रहे हो, तुम डेली बढ़ा रहे हो, एकदम स्टे तो कर दो, कम से एक जगह रुक तो जाए कि बंदा मतलब डेली मतलब पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं डेली। पहले एक लीटर आता था 65 रुपये का, अब से कुछ टाइम हो गया 65 रुपये का, 70 का, 75 का, 80 का, 80 क्रॉस कर दिया, अब 90 होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो पेट्रोल है उसके प्राइजेस आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि दिल्ली में पेट्रोल 89.99 पैसे करीब पहुंच चुका है, और वहीं दिल्ली में जो डीजल है हमारा वो 79 रुपीस तक पहुंच चुका है। ऑन द अदर साइड मुंबई में ये 90 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, 95 रुपीस समथिंग हमारा मुंबई में है पेट्रोल, और साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई एरियाज में 100 को भी पार कर चुका है पेट्रोल। मतलब वहाँ पर आपको अगर आप जाने वाले तो आप बीकानेर या फिर बरमार या फिर आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो पेट्रोल के प्राइसेस मिलेंगे वो 101 रुपीस, 105 रुपीस इतना क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। जयपुर में 97 रुपीस है ऑन दी अदर हैंड। तो अगर आप कहीं भी जाने वाले तो ध्यान रखिएगा जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो इतनी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं कि आप अगर अपने होम टाउन से ही दिल्ली से ही भरवाना चाहें तो वो बेटर एक ऑप्शन होगा। एंड साथ ही साथ अब हम देखते हैं आने वाले टाइम में पेट्रोल के प्राइसेस कितना आसमान छूते हैं और कब दिए दिल्ली को भी, दिल्ली में भी 100 क्रॉस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं पलक अरोड़ा आज इस संवाद को यहाँ ख़त्म करती है। थैंक यू।